जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आईसीएआई ने एक धमाका रिलीज किया है आपके लिए। रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज हो चुके हैं फॉर सितंबर 24 एग्जामिनेशंस। जी हाँ, और एक चीज और सरप्राइज है आपके लिए। हर बार पेपर नंबर 1 और 2 यानी कि लॉ और अकाउंट्स का ही आरटीपी आता था, इस बार पेपर 3 और 4 यानी कि क्यूए और इको का भी आरटीपी आया है। तो मेक श्योर आप चारों आरटीपीज बहुत अच्छे से करोगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आपको आरटीपी एक्सेस हो जाएंगे। राइट, इन केस आप एनी इशू फेस करते हो तो आप 888-8840402 पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आरटीपी कैसे एक्सेस करना है आपको वो लिंक या आपको वो हेल्प प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ के साथ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आपको आरटीपी बहुत ज़रूरी है करना, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीआई का तरीका होता है आपको बताने का कि देखो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो ज़रूर रिवाइज करना आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का, बिजनेस लॉ का, सितंबर 24 का आरटीपी इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। लॉ क्या होता है और लॉ बनाने का प्रोसेस क्या रहता है। तो सिंपल सी बात है, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, राइट। इट इज़ द सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है लोगों पे ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, है ना। और प्रोसेस क्या है लॉ बनाने का। लॉ बनाने का बेसिकली आपसे आप एक्ट बनाने का प्रोसेस पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ड्राफ्ट बनाते हो, ड्राफ्ट हाउसेज में पेश होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा में पेश होता है। उसके बाद आप फाइनली आप प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल मिलती है, तब जाके वो एक्ट बनता है और फिर वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है और पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल हो जाता है। ये रहता है आपका प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं व्हाट इज लॉ। पहले देखो आपको जैसे जैसे पूछा है वैसे ही सीक्वेंस में आंसर करना है। व्हाट इज लॉ पहले पूछा, व्हाट इज लॉ का पहले आंसर करेंगे, प्रोसेस का आप बाद में आंसर करेंगे। एक चीज यहाँ पे, अगर मान लो आपसे व्हाट इज लॉ नहीं भी पूछा होता, सीधा प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पूछा होता, तो ये मेरा सजेशन है कि आप लॉ के डेफिनेशन फिर भी देंगे, राइट। आ जाइए, तो व्हाट इज लॉ। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज जो इम्पोज करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर सिक्योरिंग, फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर एंड जस्टिस टू द सोसाइटी। डायरेक्ट क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि थोड़ा वर्ड्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, ठीक है। इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट को। क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डिफरेंट है, हमारे यहाँ के सोशल रूल्स भी डिफरेंट है, पॉलिटिकल सिनेरियोज भी स्टेट वाइज डिफरेंट है, इकोनॉमिक सिनेरियो भी स्टेट वाइज डिफरेंट है, तो हमारा जो लॉ है वो भी हमारी इसी डाइवर्सिटी को शो करता है, राइट। आइए, कैसे शो करता है। हर स्टेट में अलग कानून है, हर स्टेट का अलग रूल चलता है, तो कानून भी अलग है ना, कानून भी डाइवर्सिफाइड है हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल, पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट की तरह, राइट। प्रोसेस क्या रहता है, जब लॉ प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में, मतलब प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसे हम बिल कहते हैं। फिर उस पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, चर्चा होती है और फिर लॉ पास हो जाता है लोकसभा में। उसके बाद उसे प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में। पहले राज्यसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हो एक्सेप्ट सम बिल्स, जैसे मनी बिल है वो राज्यसभा में पहले पेश नहीं हो सकता, तो मोस्टली बिल राज्यसभा में भी पहले पेश हो सकते हैं कुछ बिल्स को छोड़ के, राइट। लेकिन आप यही प्रोसेस लिखना, क्योंकि जनरली यही प्रोसेस रहता है, पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में पेश होता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, प्रेसिडेंट साहब की असेंट यानी कि अप्रूवल के लिए, और फिर जब फाइनली बिल को अप्रूवल मिल जाती है तो वो नोटिफाई कर दिया जाता है इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। बेसिकली जो न्यूज़पेपर काइंड ऑफ थिंग होती है, एक गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर आप कह सकते हो, उसमें पब्लिश कर देते हैं, और जिस तारीख से उसमें लिखा होता है नोटिफाइड इस डेट का हुआ है और एप्लीकेबल इस डेट से होगा, तो जिस डेट से एप्लीकेबिलिटी जो डेट लिखी है तब से वो लॉ पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाता है। द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन एज द इफेक्टिव डेट। जब एक बार वो नोटिफाई हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है, राइट। जब तक आप ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाई नहीं कर देते, जब तक वो इफेक्ट में नहीं आ जाता, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। एक्ट कब बनता है, कानून कब बनता है, बेसिकली जब वो नोटिफाई और इफेक्टिव हो जाता है। अगर नोटिफाई की डेट लिखी है 1 जनवरी 2024, इफेक्ट हो रहा है 1 फरवरी 2024 से, तो जब इफेक्ट हो जाएगा तब से आप उसे एक्ट बोलोगे,
फाइनली कानून तो 1 फेब को बनाना जो कंट्री को मानना है, इसीलिए क्लियर है आपको फर्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही था ये। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग अग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट है, राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है भानु से, आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना है, ध्यान रखना आप। राहुल ने भानु से कॉन्ट्रैक्ट किया है, भानु एक फैक्ट्री का ओनर है, फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, मतलब भानु सप्लाई करेगा राहुल को शुगर। पर इसके पहले कि सप्लाई होती, इफेक्टेड मतलब सप्लाई पूरी की जाती, सप्लाई कर दिया जाता सामान, फैक्ट्री में आग लग जाती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, बताइए कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये? दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि मैम अब ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई। जब भी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक कुली है यूनिफॉर्म में जो लगेज पिक करता है रोहन का, और रोहन अलाउ कर देता है, राइट? एक कुली है यूनिफॉर्म में पिक करता है लगेज रोहन का टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से बाहर ले जाने के लिए। रोहन उससे पूछता भी नहीं है और रोहन अलाउ कर देता है उसको लगेज ले जाने के लिए, तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिना शब्दों के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुली ने राहुल से बोला होता, राहुल ने हाँ बोला होता, तो ये बन जाता एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। सीधा सीधी बात है, किसी को सामान मिलता है उसे सामान वापस करना है, ये ऑब्लिगेशन उस पर आ जाती है, उसकी ड्यूटी बनती है उसे सामान वापस करने की। कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये? तो साफ साफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? एक्चुअली में पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर कानून ऑब्लिगेशन डालता है कि अगर आपको किसी का पड़ा हुआ सामान मिला है, यू हैव ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैट गुड, और जब भी ओनर मिलेगा तो उसे वो सामान लौटाना होगा आपको, राइट? तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट वॉइड, सेकंड इम्प्लाइड, थर्ड कॉजी। आइए देखते हैं, फर्स्ट वाला इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये, क्योंकि पहले वैलिड था बाद में वॉइड हुआ है, पहले तो पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हुआ है ना, इसीलिए इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की आप डेफिनेशन दे देंगे, सेक्शन नहीं याद है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसा आप लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसे आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहा, वो वॉइड हो जाता है जब से वो एनफोर्सिएबल नहीं रहता है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो अब कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। भाई आग लग गई है, कोर्ट में जाओगे तो भी कोर्ट क्या कर लेगा, कोई कोर्ट ने थोड़ी ना लगाई है, राइट? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, अब आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते इसको, राइट? आइए इसमें आप ना सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मेंशन कर देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, राइट? नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, रोहन को पे करना पड़ेगा सर्विसेज के लिए। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो इम्प्लीकेशन से आते हैं, एक्शन से आते हैं, इसको आप कंडक्ट भी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ और बाय एक्शन, जो लॉ इम्प्लीकेशन है मतलब बाय डिफॉल्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए वो कानून से भी बन सकता है जैसे क्वाजी में बनता है, एक्शन से भी बन सकता है जैसे यहाँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना है। सेक्शन 9 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बना है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही वर्ड्स से नहीं हुए हैं। अब वर्ड्स से नहीं हुए हैं मतलब एक्शन से हुए हैं, कंडक्ट से हुए हैं, बिहेवियर से हुए हैं, तो वो प्रॉमिस इम्प्लाइड कहलाते हैं, ठीक है? सिंपल है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर कैन नॉट बी सेट अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है पार्टीज के बीच में, इवन इन द रिमोटेस्ट सेंस, दूर दूर तक देखो तो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है इसमें। एज देर इज नीदर ऑफर नॉर एक्सेप्टेंस नॉर कंसेंट, ना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ना कंसेंट है, आपका वॉलेट गिरा किसी को मिला, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ छोड़ी ना हुआ है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बना है, कौन सा? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की आप यहाँ पे डेफिनेशन मीनिंग कुछ भी आप लिख देना 2-4 लाइन में, राइट? देखिए ICAI ने क्या लिखा है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, पूरी लाइन थी ना कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, वो आप लिख दोगे। It is created by law under certain circumstances. The law creator enforces such rights and obligation. Law ही क्रिएट करता है rights और obligations को, कोई actual contract नहीं होता है parties के बीच में, इसे quasi contract कहते हैं।
दूसरे शब्दों में बोला जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे कोई इंटेंशन होता नहीं होता है पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करने का, पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट थोप देता है पार्टीज के ऊपर, दैट इज नोन एज कोजी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अमित एक माइनर है, बच्चा है, माइनर मतलब विच इज हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, वो कॉलेज में पढ़ रहा था। 1 जुलाई 2023 को उसने लोन लिया है 1 लाख रुपए का फॉर पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस। ओके मैम, ये तो नेसेसिटी में लग कवर हो रहा है एजुकेशन, ठीक है ना। एंड टू परचेज बुक्स एंड अग्री टू रीपे बाय 31 दिसंबर 2023। ओके, अमित पोजेसेस एसेट्स वर्थ रुपीज 9 लाख। अमित के पास 9 लाख के एसेट्स थे, कुछ भी चीज़ें होंगी, लैपटॉप, स्कूटी, कार, कुछ भी हो सकता है उसके पास, तो 9 लाख रुपए के टोटल एसेट्स उसके पास थे। ऑन द ड्यू डेट अमित फेल्स टू पे बैक द लोन टू भावेश। ऑन द ड्यू डेट यानी कि 31 दिसंबर को अमित लोन पे नहीं कर पाता है भावेश को। भावेश नाउ वॉन्ट टू रिकवर द लोन फ्रॉम अमित आउट ऑफ अमित्स एसेट्स। भावेश चाहता है कि लोन की रिकवरी हो जाए अमित के एसेट्स से। आप बताओ प्रोविजंस को देखते हुए क्या भावेश अपना पैसा ले सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अग्रीमेंट विद माइनर इज नो डाउट वॉइड एब इनिशियो, पर क्योंकि ये नेसेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो नेसेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो सप्लायर है वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द माइनर पर्सन। तो माइनर पर्सन के पास 9 लाख के एसेट है, पैसे की रिकवरी 1 लाख की होनी है, तो भावेश 1 लाख रुपए डिमांड कर सकता है फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द माइनर, दैट्स इट। तो अब आप देखो केस स्टडी को आपको आंसर करना है प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन के फॉर्म में। प्रोविजन में आपको ये रूल बताना है जो मैंने आपको बताया है कि ऑल दो अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो बट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू माइनर इज वैलिड, सप्लायर कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द माइनर, ऐसे करके आप प्रोविजन लिख दोगे। फैक्ट ऑफ द केस में आप ये स्टोरी लिख दोगे थोड़ा शॉर्ट करके, और कंक्लूजन में आप लिख दोगे कि इन द अबव केस भावेश कैन रिकवर हिज अमाउंट फ्रॉम द एस्टेट प्रॉपर्टी एसेट्स ऑफ द माइनर, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कंक्लूजन को, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैम ये क्या लिखा है? बेटा याद करो कोजी कॉन्ट्रैक्ट, कोजी कॉन्ट्रैक्ट में ही पॉइंट था, अग्रीमेंट माइनर के साथ तो वॉइड कर दिया, तो पैसा किस बेसिस पे रिकवर करोगे? तो उसे कोजी कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया था कि अगर अपने माइनर, अनसाउंड माइंड या उन पे डिपेंडेंट किसी पर्सन को कोई जरूरी किसी जरूरत की चीज़ सप्लाई करी है तो आप पैसा रिकवर कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 68 का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, कोजी कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस दिया है। अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिख देना अगर आपको सेक्शन याद ना आए तो। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन होम इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाई अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। अगर कोई पर्सन जो खुद इनकेपेबल है या फिर उस पर्सन के किसी डिपेंडेंट को सप्लाई किया है दूसरे पर्सन ने नेसेसरीज, नेसेसिटीज कुछ भी लिख सकते हो, जो उसकी ज़रूरत का था, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड, हु हैज सप्लाइड सच सप्लाइज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। उसे पूरा पूरा राइट होगा कि उसे प्रॉपर्टी में से रीइंबर्समेंट मिले, मतलब कॉम्पनसेशन मिले। जैसे इन द अबव केस एज, क्योंकि लोन दिया है अमित को नेसेसरीज के लिए, नेसेसरीज में क्या क्या कवर होता है? एजुकेशन, फूड, हेल्थ, फ्यूनरल सर्विसेज, फ्यूनरल के किसी के लिए पैसा दिया, क्लोथिंग, शेल्टर, रहने के लिए घर दिया, तो ये सब आपके उसमें नेसेसिटीज में कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लोन अमित को नेसेसरीज के लिए दिया था जो उसके लिए ज़रूरी था, तो जो अमित के जो एसेट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हो आप, कैन बी स्यूड, कैन बी यूज्ड भी लिख सकते हो टू रीइंबर्स भावेश, हेंस भावेश कैन प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द अमित। आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ICAI ने देखो प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन डिवाइड नहीं किया है, पर आप देखो तो फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ प्रोविजन, राइट। कहीं ना कहीं सेकंड पैराग्राफ में आपको हिंट ऑफ फैक्ट ऑफ द केस आ रहा है, थर्ड में आपको कंक्लूजन आ रहा है, आप कंक्लूजन थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखेंगे, राइट। भावेश कैन प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द अमित एज द अग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज फॉल्स अंडर द कोजी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द इनकैपेबल पर्सन। आप ऐसा यहाँ पे लाइन स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, राइट। चलिए
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, मिस्टर श्याम जिसकी एज 58 इयर्स है, वो एम्प्लॉयड था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता था और उसे रिटायर होना था 2 साल के बाद। मिस्टर देव ने एक ऑफर दिया है मिस्टर श्याम को टू अप्लाई फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। देव ने बोला श्याम को कि भाई 2 साल बाद तो तुझे रिटायर होना ही है, एक काम करो अभी रिटायर हो जा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब खुद से रिटायरमेंट ले लो पहले, सो दैट मिस्टर देव, ताकि मैं उस जगह पे आ सकूं। ऐसा देव ने बोला कि मेरे को वो जगह मिल सके। मिस्टर देव ने 10 लाख रुपया ऑफर किया और कंसिडरेशन एज कंसिडरेशन अपनी जॉब छोड़ने के लिए। शाम ने पहले तो मना कर दिया, पर जब उसने अमाउंट देखा तो उसे देखा कि भैया मुझे तो जितना रेम्यूनरेशन मिलेगा 2 सालों में उससे तो डबल अमाउंट मुझे मिल रहा है ना, तो क्यूमुलेटिव मतलब टोटल रेम्यूनरेशन टू बी रिसीव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे ज्यादा ही मुझे मिल रहा है। तो ही अग्रीड टू रिसीव द कंसिडरेशन, उसने बोला ठीक है और अग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है मैं जॉब छोड़ दूंगा, तुम मेरी जगह जॉब ले लेना और मुझे पैसे दे देना, ठीक है। आप बताओ क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है? द आंसर इज नो। देख के ही लग रहा है वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? सेल परचेज ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, इट इज एन अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हेंस इट इज वॉइड, राइट। तो एक्सप्लेन करना आपको विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वॉइड अग्रीमेंट, वो सारी बातें आप लिख दोगे, राइट। चलिए, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना चाहिए। सेक्शन 23 की भी कहता है कि जहां पे भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होता है अग्रीमेंट वॉइड होता है। इस वाले प्रॉब्लम में द गिवन सिचुएशन टॉक अबाउट एंट्री इनटू अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। अच्छा, इस बार ना एक चीज लगी है मुझे कि आईसीआई ने थोड़ा अपना आंसर का पैटर्न चेंज किया है। आप सब देख रहे हो आप, मतलब पहले ना टू द पॉइंट चीजें लिखी होती थी, पर इस बार थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में आंसर लिखा है। द गिवन प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट द एंट्रिंग इनटू अग्रीमेंट, नहीं तो सीधा सीधा पहले लिखा होता था दिस इज एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस व्हिच इज वॉइड फुल स्टॉप। आईसीआई ने थोड़ा सा आंसर इलेबोरेट करके लिखने की कोशिश करी है ताकि बच्चों को पता लगे कि एग्जाम में आपको भी ऐसे ही आंसर लिखना है। हम खुद कहते हैं कि आप आंसर थोड़ा सा इलेबोरेट करो, ऐसा आंसर लिखो कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। कहीं ना कहीं वैसा ही आंसर इस बार इंस्टीट्यूट ने खुद भी दिया है, आप ध्यान से देखना जब आप पढ़ोगे। The given problem talk about entering into agreement for sale of public offices, which is opposed to public policy. ठीक है, public policy require करता है कि कोई money consideration नहीं होना चाहिए public office के appointment करने, मतलब job के लिए जिसमें public का interest है। अब सरकारी नौकरी में तो public का interest है क्योंकि सरकारी नौकरी में जो person काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम कर रहा है। तो अगर आप ऐसे job छोड़ोगे और दूसरा देव जो है अगर वो गलत person हुआ या इनएक्सपीरियंस पर्सन हुआ तो फिर तो जॉब गलत हाथों में चली जाएगी ना, तो पब्लिक को नुकसान होगा। तो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो ऐसे में ये जो कंसिडरेशन है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए अनलॉफुल है। अपनी जॉब छोड़ना इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर आपको थोड़ा सा फैक्ट ऑफ द केस बताया गया है, देखो दिस इज द फैक्ट ऑफ द केस। शाम जो रिटायर होने वाला था वो देव ने ऑफर दिया कि अपनी जॉब छोड़ दो, ये सारी बातें वही बताई है। फिर आपका कंक्लूजन के फॉर्म में यहाँ पे दिया है, हेडिंग नहीं लिखी, आप हेडिंग लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेयर मिस्टर श्याम्स प्रॉमिस टू सेल फॉर देव सेल सेल ऑफ व्हाट सेल ऑफ कुर्सी सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस टू देव एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज इज द कंसिडरेशन फॉर मिस्टर देव प्रॉमिस टू पे 10 लाख। देव 10 लाख दे रहा है बदले में श्याम अपनी नौकरी छोड़ रहा है, नौकरी बेच रहा है, ये बिल्कुल गलत है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, की अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ये वॉइड है क्योंकि कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कौन सा कंसिडरेशन? अपनी कुर्सी छोड़ने का कंसिडरेशन अनलॉफुल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, हेंस वॉइड है। बस अब आपसे पूछा जाता इस केस में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और इलेबोरेट कर देती हूँ, कि अगर देव ने पैसे दे दिए शाम फिर भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा तो क्या देव कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता, अग्रीमेंट वॉइड है, कोर्ट सुनेगा ही नहीं बात, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी द राइट्स विद द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस, प्रोमिसर के क्या राइट रहेंगे इन केसेस में। बेसिकली आपको देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है, जो पर्सन है वो जिसने काम किया वो अपना पैसा ले सकता है नहीं ले सकता, ये सब बताना है। फर्स्ट है, सुनील ने प्रोमिस किया है कि जतिन को जिंदा कर देगा, क्या अग्रीमेंट वैलिड है? जी नहीं, अग्रीमेंट कम्प्लीटली वॉइड है बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी शुरू से इम्पॉसिबल है, अग्रीमेंट वॉइड है। तो क्या सुनील जो प्रोमिसर है वो पैसा क्लेम कर पाएगा? कोई नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट है, भी अमन ने अग्री किया है कि वो 50 kg एप्पल देगा रमन को। लोडेड जो ट्रक है वो डिलीवरी के लिए निकल चुका 15 मार्च को, पर क्योंकि लड़ाई झगड़े हो गए हैं रास्ते में तो रमन 19 मार्च को पहुंचा, तब तक एप्पल सड़ चुके थे 4 दिन में। अब एक बात बताओ कि राइड्स में किसी की गलती थी? राइड्स मतलब दंगे नहीं थी ना, तो अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, सामान खराब हो गया बिना किसी के मिस्टेक के, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमिसर के कोई राइट नहीं होंगे, कोई पैसा किसी से क्लेम नहीं कर पाएगा, कोई डैमेजेस किसी से क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, सी है एक आर्टिस्ट है, उसने प्रॉमिस किया है कि पेंटिंग करेगा, पर पेंटिंग से पहले पहले उसके हाथ पूरे दोनों हाथ चले गए एक एक्सीडेंट में। अगेन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, प्रोमिसर के हाथ चले गए हैं, अब वो पेंटिंग बना ही नहीं सकता है, अग्रीमेंट इज वॉइड। राइट, डी आ जाओ, अभिषेक ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है फॉर इम्पोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, चाइना से टॉयज इम्पोर्ट करेगा, पर क्योंकि चाइना के साथ रिलेशन खराब हो गए हैं तो इम्पोर्ट बैन हो गया चाइना से, तो ऑब्वियसली अब चाइना से जो जिससे भी इम्पोर्ट कर रहा था सामान वो हमारा एलियन एनिमी बन गया, अब एलियन एनिमी बन गया तो अग्रीमेंट तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। राइट, तो चारों केसेस में प्रोमिसर के कोई राइट नहीं होंगे, फर्स्ट में ही वॉइड है, सेकंड में भी वॉइड है, थर्ड में ही वॉइड है, फोर्थ में ही वॉइड है। फर्स्ट में रीजन है कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, सेकंड में रीजन है कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, थर्ड में भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया और फोर्थ में भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया है क्योंकि अब वो एलियन एनिमी बन गया है। राइट, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज ऑफ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सेकंड वाला टाइम जरूरी था कॉन्ट्रैक्ट में, जब तक एप्पल पहुंचे तब तक वो ऑलरेडी रॉटन हो चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो बेसिकली यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, किसी को भी कुछ भी रिकवर नहीं होगा। थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का था और परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबिलिटी हो गया सच। डी में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा क्योंकि इलीगल हो गया, वो एलियन एनिमी बन गया वो पर्सन, तो उसके साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो परफॉर्म। राइट, तो चारों केसेस में प्रोमिसर के किसी के भी कोई भी राइट नहीं रहेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सीमा एक बुटीक चला रही थी न्यू दिल्ली में, उसे कुछ कपड़ा डिलीवर करना था अपने फ्रेंड को किरण को जो एग्जीबिशन लगा रही थी मुंबई में। ठीक है, बुटीक में क्या होता है कपड़े सिलते हैं डिजाइनर ड्रेसेस, तो उसे कुछ कपड़े डिलीवर करने थे मुंबई में जहाँ पे उसकी फ्रेंड एग्जीबिशन लगाने वाली थी। सीमा ने डिलीवर कर दिया सिंग मशीन और कुछ क्लोथ टू अ रेलवे कंपनी जो उस जगह पे एग्जीबिशन की जगह पे लेके जाना था। सीमा एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा फ्रॉम द सेल मेड एट दिस एग्जीबिशन, हाउएवर ये बात उसने रेलवे अथॉरिटी को नहीं बताई थी, मुझे तो प्रॉफिट होने वाला है मुझे ऐसा ही। ठीक है, गुड्स डिलीवर हो गए हैं टू द प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के बाद गुड्स पहुंचे। ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटी, सीमा क्या अपना प्रॉफिट रिकवर कर सकती है? आंसर इज नो। क्यों? गुड्स लेट पहुंचे, पहली बात तो क्या सीमा ने बताया था गुड्स टाइम पे पहुंचने चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ उसने बताया ही नहीं। क्या सीमा ने बताया था कि एग्जीबिशन में गुड्स जाएंगे नुकसान होगा तो मैं पैसे लूंगी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। तो क्या सीमा ये लॉस रिकवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। राइट, हाँ देखो रेलवे अथॉरिटीज ने डिले करा है तो सीमा कुछ नुकसान रिकवर कर सकती है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, पर स्पेशल डैमेजेस वो रिकवर नहीं कर पाएगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट वो रिकवर नहीं कर पाएगी। चलिए, एज पर सेक्शन 73-75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डैमेजेस के बारे में बात करता है ये। डैमेज मीन्स अ सम ऑफ मनी क्लेम्ड और रिवॉर्डेड इन कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी। डैमेज मतलब जो भी कंपनसेशन दिया जाता है नुकसान होने पे, इंजरी होने पे। जब एक पार्टी कमिट करती है ब्रीच करती है, वादा तोड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, तो जो दुखियारी पार्टी होती है, ग्रीव पार्टी होती है, वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है। जनरल डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस वो होते हैं जो नॉर्मली अराइज होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पे। हैडली वर्सेस बैक्सिनडेल में ऐसा बोला गया था कि जनरल डैमेजेस ही मिलते हैं नॉर्मली। तो जब एक पार्टी ब्रीच कमिट करती है तो डिफेंडेंट जो होता है, अब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ कौन होता है? सपोज ए और बी है, ए ने ब्रीच किया तो ए तो कोर्ट में नहीं जाएगा, बी जाएगा कोर्ट में, तो बी इज द प्लेंटिफ, ए इज द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होता है? जनरली जिसने ब्रीच किया होता है। तो जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा पूरे सभी लॉसेस के लिए जो नेचुरली अराइज होंगे, जो नॉर्मल लॉस होंगे। राइट, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस सच डैमेजेस आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस, इन ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलते हैं।
हाउएवर स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जो अनयूजुअल सिचुएशन में होते हैं, जैसे यहाँ पे उसे क्या एग्जीबिशन होना इज अनयूजुअल सिचुएशन, और एग्जीबिशन नहीं हो, एग्जीबिशन में सामान नहीं पहुंचा, वो लॉस हो गया, वो प्रॉफिट लॉस हो गया हमारा, तो ये बड़ी अनयूजुअल से सिचुएशन है, इट इज नॉट नॉर्मल सिचुएशन जो अग्रीव पार्टी को अफेक्ट करती है। और ये डैमेजेस रिकवर तभी हो सकते हैं जब पहले से ये बात बता के रखी हो डिफेंडेंट को। अगर रेलवे अथॉरिटी को पहले से ये बात बता के रखी होती कि टाइम पर सामान पहुंचना चाहिए वरना मेरा ऐसा ऐसा नुकसान होगा, तब हम रिकवर कर पाते, राइट। अगर कोई स्पेशल नोटिस नहीं गिवन तो अग्रीव पार्टी सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो इस केस में सीमा को एक्सेप्शनल प्रॉफिट होने वाला था एग्जीबिशन से, पर यह बात कभी भी रेलवे अथॉरिटी को नहीं बताई गई थी, और गुड्स आफ्टर एग्जीबिशन डिलीवर हुए हैं तो सीमा सिर्फ नॉर्मल डैमेजेस क्लेम कर सकती है, डिले होने पे कुछ पैसा क्लेम कर सकती है, अपने जो प्रॉफिट लूज कर दिया वो क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। सीमा कैन रिकवर ओनली द लॉसेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि कोई स्पेशल सिचुएशन की नोटिस नहीं दी थी तो वो लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवर नहीं कर पाएगी। क्लियर है आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टेंसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपसे पूछा है कि डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट वाले पॉइंट बताओ, जब पार्टीज एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करके एक दूसरे की कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं, वो आपको बताने हैं। तो आपके कुछ पॉइंट्स थे, एक था आपका नोवेशन, जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है विद सेम पार्टीज और विद डिफरेंट पार्टीज, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। एक है ऑल्ट्रेशन, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस करे हैं, नोवेशन में नया ही कॉन्ट्रैक्ट बना है, बड़ा चेंज है, ऑल्ट्रेशन में छोटा चेंज है, तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, पुराने से डिस्चार्ज हो जाएंगी। फिर एक होता है आपका रेसिशन, कॉन्ट्रैक्ट को एंड ही कर दो दोनों पार्टीज मिलके, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा डिस्चार्ज हो जाएगा विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। एक होता है आपका रेमिशन और वेवर, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी को माफ कर दे, वेव कर दे, रेमिट कर दे पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, तो भी क्या होता है उतना जितना माफ किया है उतने से पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं और अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे अगर फ्री कंसेंट मिसिंग है, कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो जिस पार्टी के पास ऑप्शन है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे तो दूसरे पार्टी को भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। और एक होता है आपका अगर जो प्रॉमिस ही है वो ही निग्लेक्ट कर दे फैसिलिटीज देने का कि प्रोमिसर काम कर पाए, जैसे ए ने बी को बोला कि वो डांस सिखाएगा पर बी को रूम अरेंज करना था डांस के लिए, बी ने रूम अरेंज नहीं किया है डांस के लिए, तो ए भी डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। तो ये है आपकी 5 सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका नोवेशन, जहाँ पे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर देती है न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ओल्ड से, इसको हम बोलते हैं नोवेशन। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में जो होता है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट से सब्सटीट्यूट हो जाता है, पार्टीज सेम भी हो सकती हैं, पार्टीज चेंज भी हो सकती हैं। और कंसिडरेशन क्या होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पीछे पुराने को डिस्चार्ज करना, पुराने को एंड करना। नोवेशन सिर्फ म्यूचुअल अग्रीमेंट से हो सकता है, अगर आपने एक दूसरे के अग्रीमेंट के बिना नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, पार्टीज अग्री होंगी तभी नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी वैलिड होता है। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। सेक्शन 62 में ये सारी बातें लिखी है। नेक्स्ट है रेसिशन, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देते हो, रिसाइंड, कैंसिल, तू भी अपने घर मैं भी अपने घर, इसको हम बोलते हैं रेसिशन। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रेसिशन, जब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अग्री करती है कैंसिल करने का तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड है ऑल्ट्रेशन, जहाँ पे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अग्री करती हैं ऑल्टर करने का, सिर्फ चेंज कर रही हैं छोटा मोटा उसमें, तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा विद न्यू कंडीशंस, पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपका रेमिशन, रेमिशन मतलब माफ करना, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस को रेमिट कर देती है, माफ कर देती है पूरा या आधा, तो जितना पोर्शन माफ किया है उसके लिए पार्टीज को अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, या एक्स्ट्रा टाइम दे देती है, या फिर इस काम के बदले में कुछ और एक्सेप्ट कर लेती है, जो पुराना काम था उसको फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। रिसाइंस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, वॉइड कर दिया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। निग्लेक्ट ऑफ द प्रोमिसी, अगर कोई प्रोमिसी निग्लेक्ट करता है, मतलब केयरलेसली बिहेव करता है, या फिर मना कर देता है कि वो फैसिलिटी नहीं देगा प्रोमिसर को काम करने के लिए, तो अब प्रोमिसर को भी काम करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाता है, राइट।
मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए ने बी से कहा था कि वो डांस सिखाएगा, बी को रूम अरेंज करना है, तो ये अगर रूम अरेंज करके नहीं देता है, इज द प्रॉमिस ही, अगर वो रूम अरेंज करके नहीं देता है तो बी को काम करने की जरूरत नहीं है, पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, राइट। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके। मैं देख रही हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट होता जा रहा है, एसीआई का पूछा जा सकता है कभी भी, तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर करेंगे। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं वो, क्योंकि एंड तक आते आते ये यूनिट में कहीं गुम हो जाता है बच्चों की आंखों के आगे से। आप ध्यान देंगे, आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन आईसीआई का फेवरेट बनता जा रहा है, कभी भी धमाका हो सकता है और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का केस है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में से है। सूरज ने गारंटी किया विकास को फॉर ट्रांजेक्शन टू बी डन बिटवीन विकास एंड निखिल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, कौन सी गारंटी है? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन गारंटी दी है। विकास ने सप्लाई किया है गुड्स 30,000 के ऑन 1 मार्च, 20,000 के ऑन 3 मार्च और टू निखिल, ठीक है, तो 30,000 और 20,000 के गुड्स सप्लाई हुए हैं। उसके बाद 5 मार्च को सूरज की डेथ हो जाती है। सूरज कौन है? सूरज है क्रेडिटर, विकास है डेटर, सॉरी सूरज है श्योरिटी, विकास है क्रेडिटर, श्योरिटी की डेथ हो जाती है। और 10 मार्च को और गुड्स सप्लाई करे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि सूरज की डेथ हो गई है, विकास ने और गुड्स सप्लाई कर दिए 40,000 के, फिर पेमेंट नहीं मिली है निखिल से, तो विकास ने सूरज के लीगल हेयर्स मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को स्यू कर दिया 90,000 अमाउंट मांगने के लिए। अब आप बताओ क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 90,000 का अमाउंट पे करना है? द आंसर इज नो। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी इमीजिएटली खत्म हो जाती है, उसके पहले पहले जो काम हुआ है 50,000 उतने की पेमेंट करनी है, उसके बाद की पेमेंट नहीं करनी है, राइट। एक और क्वेश्चन छुपा है इसमें, होता क्या है कि जब एक पर्सन की डेथ होती है तो वो जितना भी एसेट्स छोड़ के जाता है ना, उसके लीगल हेयर सिर्फ उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अब इसमें लिखा है कि अगर सूरज 45,000 के एसेट से छोड़ के गया है तो लीगल हेयर को 50,000 पे नहीं करने, 45,000 ही पे करने हैं फिर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन थे, पहले में बोला है कि 90,000 रिकवर होगा, नहीं, कितना रिकवर होगा? 50,000। पर अगर लीगल ईयर नहीं 45,000 छोड़े हैं तो सॉरी सूरज नहीं 45,000 छोड़े हैं लीगल ईयर के पास, तो 45,000 ही रिकवर हो पाएगा फिर, ये आपको आंसर करना है। तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक होती है, कब कैंसिल होती है? जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कैंसिल हो जाती है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो फर्स्ट में आपको बताया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो वो लगेगा, वरना कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एंड हो जाती है श्योरिटी की डेथ के बाद फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। द एस्टेट मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड श्योरिटी, मतलब जिसकी डेथ हो गई है उस श्योरिटी की प्रॉपर्टी लायबल होती है ट्रांजेक्शंस के लिए जो पहले हुई है। श्योरिटी की एस्टेट लायबल नहीं होगी उन ट्रांजेक्शन के लिए जो बाद में हुई है, इवन तो किसी को नॉलेज नहीं थी डेथ की, स्टिल तब भी। इस क्वेश्चन में देखो अभी पूरा फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया आपको, उसके बाद बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव केस ये कह सकते हो कि श्योरिटी की डेथ के बाद लीगल हायर रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ उन ट्रांजेक्शन के लिए जो सूरज के जिंदा रहते हुई है, यानी कि 50,000 के लिए। 10 मार्च की ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल नहीं है, इवन दो क्रेडिटर को कुछ नहीं पता था डेथ के बारे में, फिर भी क्रेडिटर सूरज के लीगल हेयर से वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। आगे बताया है कि अगर एस्टेट सूरज सिर्फ 45,000 की छोड़ के गया है तो लीगल हेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस अमाउंट ओनली, दैट इज रुपीज 45,000 ओनली। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमने मैराथन सेशन में भी किया था। मिस्टर स्टीफन्स ऑन करता है एक चिकन फार्म, मिस्टर स्टीफन का अपना चिकन फार्म है गुरुग्राम के पास, जहाँ पे वो ब्रीड करता है उनको और एग करता है उनके एग को बेचता है और लाइव चिकन को भी बेचता है रिटेल शॉप्स पे। मिस्टर फ्लेमिंग का भी अपना एक सिमिलर फार्म है, सेम काम करते हैं। मिस्टर फ्लेमिंग को ऑस्ट्रेलिया जाना था 1 साल के लिए, तो उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना फार्म जो था वो प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया स्टीफन के पास 1 साल के लिए और 25,00,000 रुपए उठा लिए और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। उस टाइम जब प्लेज किया तो उस टाइम फार्म में 1,00,000 वर्ड्स और 10,000 एग्स थे।
कंडीशन वॉज दैट जब फ्लेमिंग वापस आता है तो वो रिपे कर देगा अमाउंट और अपना फॉर्म वापस ले लेगा, ठीक है। एक साल के बाद जब फ्लेमिंग वापस आता है और अपना डिपॉजिट रिटर्न करता है तो उस टाइम बर्ड्स इंक्रीज होके 1,09,000 हो गए थे और एग्स 15,000 हो गए थे, ठीक है। हैच इंक्रीज क्यों हो गए थे बर्ड्स, क्योंकि जो एग थे उनमें से भी बर्ड्स निकल आए थे, इसीलिए। मिस्टर स्टेफन ने कहा कि आपने तो मुझे 1,00,000 बर्ड्स और 10,000 एग्स दिए थे तो मैं वही आपको रिटर्न करूंगा। तो आपको स्टीफन्स की ड्यूटी बतानी है एज अ पॉनी। स्टीफन इज अ पॉनी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, जो प्लेज करता है फ्लेमिंग दैट इज पॉनर, जिसके पास प्लेज किया जाता है दैट इज स्टीफन्स यानी कि पॉनी। तो आपको पॉनी की ड्यूटी बतानी है और एडवाइस करना है मिस्टर फ्लेमिंग को अपने राइट्स के बारे में। यू आर सीए साहब, तो अब आप बताओगे कि फ्लेमिंग आपका ये राइट है, यू कैन क्लेम दिस, यू कैन क्लेम दैट, यू कैन नॉट क्लेम दैट, ये सब आप बताओगे। तो बताइए, देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है तो पॉनी की ड्यूटी होती है कि वो मेन सामान तो वापस करेगा ही, ठीक है, गुड्स तो वापस करेगा ही, साथ के साथ गुड्स में अगर कोई इंक्रीज हुआ है वो भी लौटाएगा। बेली की ड्यूटी होती है ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, तो पॉनी की भी ड्यूटी रहेगी, कोई इंक्रीज हुआ है ना गुड्स में वो भी रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे बर्ड्स और एग्स में इंक्रीज हुआ है तो वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। स्टीफन्स को पूरे 1,09,000 बर्ड्स और 15,000 एग्स दोनों चीज रिटर्न करनी पड़ेंगी, राइट। आप फ्लेमिंग को बोल सकते हो कि भैया तुम्हारा राइट है ये सब लेना, तुम अपना पूरा सामान क्लेम करो, आधे में नहीं छोड़ना, ठीक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द एब्सेंस ऑफ एनी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और लिखा है कि भैया सिर्फ वो जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही सामान मैं लूंगा ऐसा कुछ तो अलग बात है, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो बेली को डिलीवर करना है बेलर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, कोई भी इंक्रीज हुआ है, कोई भी प्रॉफिट हुआ है गुड्स में, तो फिर आप ये बता दोगे कि जब फ्लेमिंग रिटर्न होता है ऑस्ट्रेलिया से तो 1,09,000 बर्ड्स हो जाते हैं और 15,000 एग्स हो जाते हैं और ओरिजिनली इतना डिपॉजिट किया था, तो मिस्टर स्टीफन सिर्फ इतना सामान देना चाह रहा है। आप बताएंगे कि मिस्टर स्टीफन की ड्यूटी है, पौने की ड्यूटी है कि वो पूरा सामान रिकवर करे, पूरा सामान रिटर्न करे, कोई भी इंक्रीज हुआ है गुड्स से, और फ्लेमिंग का राइट है कि वो, उसका पूरा राइट है कि वो पौने से इंक्रीज भी ले सकता है, इंक्रीज का भी सामान वापस ले सकता है, क्लियर। तो छोटा सा आंसर है, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बात यहाँ पे नहीं लिखी है, डायरेक्ट बता दिया। पर हाँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इस बार और आंसर्स में क्लैरिटी है। आई थिंक आप लोग पता नहीं इस चीज को देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट अब पिछले आंसर्स से मैच करना, इस बार आंसर्स में काफी क्लैरिटी है, मतलब खुद पढ़ के बच्चे को समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं लैंग्वेज थोड़ा ठीक लिखी है और आंसर्स को इलैबोरेट करके लिखा है, ठीक है। आपसे ड्यूटीज और राइट दोनों पूछे हैं तो ऐसा नहीं है मर्ज करके लिख दिया है कि पैराग्राफ में, अलग अलग क्लियरली आपको बताया है ड्यूटीज और राइट्स के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा देखो बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईसीए ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो गुड क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको जरूर। ए बी क्लोथ हाउस है एक फर्म है जो डील करती है होलसेल और रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ क्लोथ, जो कस्टमाइज होते हैं, कस्टमाइज जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कस्टमाइज होते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जैसा कस्टमर कहता है वैसे उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं, वैसे ही सामान बना दिया जाता है, और कपड़ों की बहुत सारी वेराइटी है उनके पास, सिल्क ऑर्गेंजी, ऑर्गेंजा होता है, कॉटन, खादी, शिफॉन, ऐसा बहुत सारे टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स वो रखते हैं, ठीक है। मिसेस रीमा है कस्टमर है, वो शॉप पे आती हैं और स्पेसिफिक टाइप ऑफ कपड़ा बोलती हैं जो उसके डॉटर के बर्थडे के लिए वो सूट बना सके। उसने साफ साफ बोला था कि उसे कॉटन सिल्क चाहिए, दैट शी रिक्वायर्ड कॉटन सिल्क क्लॉथ, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है इन चीज़ों के लिए। शॉप ओनर ने अग्री किया और एक कपड़ा दे दिया एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट, कट करके दे दिया। जब रीमा टेलर के पास गई तो उसने देखा कि उस सेलर ने उसे ऑर्गेंडी मटेरियल दे दिया जो कि सूटेबल नहीं था सूट बनाने के लिए, और वो स्टार्च था और वो रीमा जैसा सूट चाहती थी वैसा नहीं बना। स्टार्च आप लोग समझते हो क्या, मतलब जैसे बहुत ही टाइट कपड़ा होता है ना, मुड़ता नहीं है इजीली, वैसा कपड़ा था तो सूट बनाना उससे इजीली पॉसिबल नहीं था। टेलर ने रीमा को बोला कि रिटर्न कर दो इस कपड़े को क्योंकि इससे तो सामान बन ही नहीं पाएगा। शॉप ओनर ने कहा कि भैया मैं तो सामान नहीं ले सकता क्योंकि कट करके दे दिया मैंने आपके हिसाब से, अब ये रीसेल तो होगा नहीं, आपको बताना है केवे टेम्पर के हिसाब से
बायर की ड्यूटीज, सेलर की ड्यूटीज, और बताओ क्या रीमा अपना सामान वापस ले पाएगी, बताइए। केवी टेम्प्टर कहता है कि बायर को बीवेयर रहना है, बायर को ध्यान रखना है, पर उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी कि अगर सेलर, अगर बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, सेलर के स्किल्स पर रिलाई किया है, तो फिर अब बायर को रिस्पॉन्सिबल रहने की जरूरत नहीं है। सेलर अगर गलत सामान देता है तो सेलर की गलती मानी जाएगी। तो इस हिसाब से आप बता दोगे कि रीमा यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट बता चुकी थी, फिर भी सेलर ने गलत सामान दिया, तो रीमा की कोई गलती नहीं है, सेलर की गलती मानी जाएगी। रीमा अपना सामान रिटर्न करके पैसा वापस क्लेम कर सकती है या सामान दूसरा क्लेम कर सकती है। सिंपल। तो इतनी बड़ी कहानी का कितना इजी सा आंसर था, देख रहे हो आप। तो कभी भी बड़े क्वेश्चन देख के घबराना मत, कहीं ना कहीं वो इजी पड़ते हैं, लाइव एग्जांपल आपके सामने है। तो आप केवी टेम्प्टर बताओगे, बायर की ड्यूटी बताओगे, तो उसी में केवी टेम्प्टर में ही आ जाएगी। इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, केवी टेम्प्टर कहता है लेट द बायर बीवेयर। जब एक सेलर गुड्स को डिस्प्ले करता है मार्केट में, तो वो बायर के लिए करता है, बायर को ध्यान रखना है प्रॉपर सिलेक्शन का। अगर वो गुड्स जो सिलेक्ट करता है वो बाद में डिफेक्टिव निकलते हैं, तो वो सेलर की गलती नहीं ठहरा सकता। तो सेलर किसी भी तरीके से बायर के रॉन्ग सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है, और ना ही सेलर खुद अपने डिफेक्ट को खुद डिस्क्लोज करता है, बायर को ही देखना पड़ता है। सेलर की ड्यूटीज बताई है केवी टेम्प्टर के हिसाब से, मतलब बेसिकली ये एक्सेप्शंस बताई हैं कि कब कब सेलर के ऊपर बात आ जाएगी। अगर फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, अगर बायर ने अपनी क्वालिटी, अपना पर्पज बताया है, तो सेलर को देखना है फिट होना चाहिए। पेटर्न और ब्रांड नेम के हिसाब से अगर बायर ने सामान लिया है, तो सेलर के, तो फिर सेलर की मतलब ओरिजिनल ओनर की रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। सेलर को डिस्क्रिप्शन, सेलर ने डिस्क्रिप्शन से सामान भेजा है, तो सामान उसी डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए, वरना सेलर की रिस्पांसिबिलिटी होती है। गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ये भी सेलर की रिस्पांसिबिलिटी है। सैंपल दिखा के सामान बेचा खरीदा गया है, तो भी सेलर की रिस्पांसिबिलिटी है। सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से सामान बेचा है, तो भी सेलर की रिस्पांसिबिलिटी है। ट्रेड यूसेज, अगर कस्टम है कि सामान ऐसा होना चाहिए, तो भी उस सामान वैसे ही होना चाहिए, सेलर की रिस्पांसिबिलिटी है। सेलर जानबूझ के फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो भी सेलर की जिम्मेदारी है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि रीमा ने अपना पर्पस बताया था, तो रीमा के पास राइट है कि वो अपना पैसा वापस ले सकती है। और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सप्लायर कि वो वही गुड्स जो फिट हो पर्पस के लिए, पॉइंट नंबर वन। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर वन को थोड़ा एक्सप्लेन करके तब आंसर देना चाहिए था, राइट? तो आप ऐसे ही देना, थोड़ा पॉइंट नंबर वन को एक्सप्लेन करना कि अगर बायर ने अपना पर्पस बताया है, इन दैट केस सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को पर्पस के हिसाब से ही दे। अगर सेलर गलत गुड्स देता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। ये सारी बात आप लिख देना, और फिर आप कंक्लूजन देना अपना कि इस केस में जो सीमा है वो अपना सामान रिटर्न करके अपने पैसे या फिर दूसरा सामान ले सकती है, राइट? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सैमुअल ने टीवी सेट परचेज किया अर्जुन से, अर्जुन है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक, तो अर्जुन ने सैमुअल को टीवी सेट दिया है। कंडीशन ये कि 3 दिन तक सैमुअल उसको यूज करके देखेगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे ही दिन अर्थक्वेक आ जाता है और टीवी खराब हो जाता है। अर्जुन कहता है मुझे तो पैसे चाहिए, बताइए क्या सैमुअल को पैसे देने पड़ेंगे? सेल ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे बायर के पास ओनरशिप कब जाती है? या तो 3 दिन निकल जाए, या फिर बायर हाँ बोल दे, या फिर बायर गुड्स को सेल कर दे, या ऐसा कुछ कर दे जिससे उसकी हाँ साबित हो जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो सेकेंड डे पे ओनरशिप तो अभी भी ए के पास है, तो रिस्क किसका? ए का। नुकसान किसका? ए का। क्या अर्जुन सैमुअल से पैसा रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? अगर सैमुअल ने हाँ बोल दिया होता, सैमुअल ने गुड्स को यूज कर लिया होता, टीवी को आगे बेच दिया होता, तो सैमुअल रिस्क बियर करता। अभी अर्जुन को रिस्क बेयर करना पड़ेगा, वो सैमुअल से पैसे डिमांड नहीं कर सकता। तो क्या सैमुअल की लायबिलिटी होगी पे करने की? द आंसर इज नो। हु विल अल्टीमेटली बियर द लॉस? अर्जुन, एज ओनरशिप इज स्टिल विद द अर्जुन, राइट? और हमने पढ़ा है जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका ओनरशिप उसी का रिस्क। आइए सेक्शन 24 कहते हैं, जब गुड्स डिलीवर होते हैं बायर को ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो प्रॉपर्टी कब पास होती है, ओनरशिप कब पास होती है? अगर बायर अपनी अप्रूवल को सिग्निफाई कर दे, या गुड्स के साथ ऐसा कुछ करे जिससे लगे ट्रांजेक्शन अडॉप्ट कर लिया है, या फिर कुछ भी नहीं बोलता है और टाइम लिमिट के बाद भी गुड्स को रखे रखता है, ठीक है? और फिर बताया है कि अगर अग्रीमेंट टू सेल ए स्पेसिफिक गुड्स का, और अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अग्रीमेंट अवॉइड हो जाता है। ये वाला पैराग्राफ आप रहने भी दे सकते थे, तो भी चल जाता। सैमुअल ने परचेज किया है टीवी सेट अर्जुन से,
और ये सब मतलब फैक्ट ऑफ द केस बता दिया कि फिर वो अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हो गया वगैरह। इस बेसिस पर हम ये आंसर कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी अभी श्यामल के पास पास नहीं हुई थी, क्योंकि ऊपर लिखी तीन बातों में से कोई भी बातें नहीं हुई थी। हैंस रिस्क अभी बायर के पास पास नहीं हुआ था। श्यामल को पैसे नहीं देने हैं, लॉस कौन बियर करेगा? अर्जुन ही बियर करेगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूरज ने सोहन को अपनी कार बेची है फॉर रुपीज 1,75,000 और इंस्पेक्शन के बाद सोहन ने 75,000 पे कर दिए और कार का पोजेशन ले लिया, मतलब कार को ले लिया और बोला कि बाकी की पेमेंट में एक महीने बात करूंगा। बाद में सोहन ने बोला कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कार की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो आप बताएं सूरज के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है सोहन के लिए? तो बेटा सूरज ने अपनी कार बेची थी, सोहन ने सब कुछ चेक करने के बाद हाँ बोला था। नाउ सूरज कैन क्लेम अपने बैलेंस रुपीज 1,00,000 फ्रॉम सोहन, है ना? आइए, एज पर सेक्शन 55 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि वो केस कर सकता है प्राइस के लिए अगेंस्ट द बायर। अब देखो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो सब तो चला गया, गुड्स के अगेंस्ट तो कोई राइट नहीं रहे क्योंकि गुड्स तो चले गए बायर के पास। तो अब सेलर के पास राइट है कि वो बायर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, राइट अगेंस्ट बायर क्लेम कर सकता है। तो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर और बायर रॉन्गफुली निगलेक्ट करता है पे करने के लिए, सेलर प्राइस के लिए सीव कर सकता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस किसी पर्टिकुलर डे पे पेमेंट होनी है तब भी सेलर सीव कर सकता है। तो यहाँ पे ओनरशिप चली गई है बायर के पास, तो सेलर कैन सीव फॉर द प्राइस। आगे क्या लिखा है? दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन एंड सूरज विल सक्सीड अगेंस्ट रोहन फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दिस सूरज को इंटरेस्ट भी मिलेगा और अगर रिमेनिंग अमाउंट पर जो इंटरेस्ट 1,00,000 रुपीज़ है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, केस चलेगा तो उस दौरान भी इंटरेस्ट मिलेगा और प्रोसीडिंग्स का सारा खर्चा भी वो क्लेम कर सकता है, केस का सारा खर्चा भी वो क्लेम कर सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकाश ने परचेज किया है 100 kgs ऑफ वीट फ्रॉम भास्कर। 100 kg वीट एट द रेट ऑफ 80 rupees पर kg आकाश ने भास्कर से परचेज किया है। भास्कर ने कहा कि वीट वेयर हाउस में है किशोर की कस्टडी में। किशोर कौन है? वेयर हाउस कीपर है। किशोर ने कंफर्म कर दिया आकाश को कि वो गुड्स की डिलीवरी ले जा सकता है। कौन सी डिलीवरी हो गई? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, जहाँ पे एक थर्ड पर्सन के पास गुड्स का पोजीशन है और वो थर्ड पर्सन अगर बाहर का एक्नॉलेज करता है कि हाँ तुम गुड्स को मेरे पास से ले लेना, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है। तो इसके पहले कि आकाश गुड्स को उठाता, तो पूरा का पूरा वेयर हाउस फ्लड में डूब गया। अब आकाश चाहता है कि उसका प्राइस उसे मिल जाए क्योंकि वो कह रहा है डिलीवरी तो हुई ही नहीं। तो डिलीवरी तो हो गई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आकाश की गलती है कि उसने सामान नहीं उठाया, तो अपने पैसे वो क्लेम नहीं कर सकता। आकाश गलत है, आकाश बिल्कुल भी सही नहीं है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, राइट? यही आपको लिखना है। देखो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीन तरीके की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिम्बॉलिक। जब डिलीवरी ऐसे होती है कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, कस्टडी में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। पूरा आप बता दोगे कि जब थर्ड पर्सन के पास गुड्स का पोजीशन होता है, वो एक्नॉलेज करता है बायर को कि वो उसके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पोजीशन तो ट्रांसफ़र हो गया था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के थ्रू, आकाश बिल्कुल भी सही नहीं है और वो अपना पैसा क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। साहिल, अमित और कुणाल पार्टनर्स है फर्म है ऑफिस फर्नीचर में डील करती है। उनकी रेगुलर डीलिंग होती रहती थी एबीएन कंपनी से फॉर सप्लाई ऑफ फर्नीचर। 30 जून को एक पार्टनर कुणाल की डेथ हो जाती है। फर्म ने ऑर्डर कराया एएनबी कंपनी से टू सप्लाई द फर्नीचर ऑन 25 मई, जून से पहले, डेथ से पहले, जब कुणाल भी जिंदा था। नाउ साहिल एंड अमित कंटिन्यूज द बिजनेस आफ्टर कुणाल्स डेथ। फर्म ने कोई नोटिस नहीं दिया है कुणाल की डेथ के बारे में पब्लिक को, ना ही किसी फर्म से एसोसिएटेड पर्सन को। मेसर्स एबीएन कंपनी डिलीवर द फर्नीचर ऑन 25 जुलाई 2023, मतलब डेथ के बाद। द फैक्ट अबाउट द कुणाल्स डेथ वॉज नोन टू दम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पर जिस टाइम फर्नीचर की डिलीवरी हो रही थी उस टाइम कुणाल के डेथ के बारे में पता था एबीएन कंपनी को।
उसके बाद फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है और अमाउंट पे नहीं कर पाती है फर्नीचर का। अब एबीएन कंपनी चाहती है कि फर्म के खिलाफ केस फाइल करे। अब आप हमें प्रोविजंस के हिसाब से बताओ, क्या कुणाल की प्रॉपर्टी भी लायबल होगी क्या ये फर्नीचर के पैसे देने के लिए? बेटा सिमिलर क्वेश्चन हमारी पीपी बुक में है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा इलैबोरेट कर दिया, ठीक है, कहानी का रूप दे दिया है, वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन गिवन है, वहाँ एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ इतनी बड़ी स्टोरी बन गई है। बात वही है कि पार्टनर की डेथ हो गई है, पार्टनर की डेथ से पहले ऑर्डर दिया हुआ था लेकिन सामान रिसीव हुआ है आफ्टर डेथ। जब सामान रिसीव हुआ है तो पता था दूसरी पार्टी को कि पार्टनर की डेथ हो चुकी है। तो हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ तक, डेथ की डेट तक जितने भी डेट हैं उसके लिए पार्टनर की एस्टेट लायबल होती है। अब डेथ के बाद का बाद जो अब 25 जुलाई को जब फर्नीचर डिलीवर हुआ है तो लायबिलिटी तो तब क्रिएट हुई है ना, बुक्स में कैसे एंट्री करते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एबीएन कंपनी, ऐसे एंट्री हुई होगी। तो लायबिलिटी कब क्रिएट हुई है? 25 जुलाई को पार्टनर की डेथ के बाद। पार्टनर की डेथ तो हो गई 30 जून को। तो नाउ इस वाले फर्नीचर के लिए जो पार्टनर है कुणाल है उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जहाँ पे फर्म डिसॉल्व नहीं होती है पार्टनर के डेथ के बाद तो पार्टनर की एस्टेट लायबल नहीं होती है फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म जो डेथ के बाद हुए हैं। और लेकिन पुराने एक्ट के लिए पार्टनर की एस्टेट लायबल रहती है। इन फर्दर दैट एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर मे बी एब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इसके लिए नोटिस वोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती है किसी को भी। तो नोटिस नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटायरमेंट के केस में नोटिस देने की जरूरत होती है, डेथ के केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है पब्लिक को। इन द लाइट ऑफ फैक्ट ऑफ द केस एंड प्रोविजंस ऑफ लॉ, सिंस डिलीवरी ऑफ फर्नीचर वाज मेड आफ्टर कुणाल डेथ, तो उसकी एस्टेट लायबल नहीं होगी फर्म के डेथ के लिए। और दिस इज पार्टनर पे कोई भी केस नहीं किया जाएगा बिकॉज जब उसकी डेथ हुई तब कोई भी डेट नहीं था, उधार नहीं था, राइट। और जब डिलीवरी हुई, जब डेट अराइज हुआ तो वो ऑलरेडी उसकी डेथ हो गई थी और नोटिस देने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। तो एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर मे बी एब्सॉल्व्ड, मे बी फ्री करना, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ द फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस पर कोई भी केस नहीं किया जाएगा और कुणाल की प्रॉपर्टी में से कोई भी अमाउंट नहीं मांगा जाएगा रिगार्डिंग द फर्नीचर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप है आप बताओ? ए और बी कमोडिटी खरीदते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप पर मिनिमम दो लोग होने चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, है ना। तो बताओ दो लोग हैं, हाँ मिनिमम दो होने चाहिए ना। क्या बिजनेस कर रहे हैं? हाँ। क्या प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? हाँ। और देखो म्यूचुअल एजेंसी है, हाँ। दोनों ने बोला है कि हम खरीदेंगे सामान और बेचेंगे, तो दो अगर ए सामान बेचेगा तो बी भी लायबल है, बी सामान बेचेगा तो ए भी लायबल है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप है। नेक्स्ट है टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स, ये दोनों एक फर्म में कंबाइंड हो जाते हैं, क्या यहाँ पे पार्टनरशिप रहेगी? जी हाँ यहाँ पे पार्टनरशिप रहेगी। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम दो फर्म पार्टनर बन रही है। बेटा दो फर्म पार्टनर नहीं बन रही है, दो फर्म्स मिलके एक नई फर्म बन रही है, पार्टनर्स रहेंगे वहाँ पे, पार्टनर फर्म पार्टनर नहीं बन रही है, ठीक है। आप बच्चों को लगता है मैम पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनर बन ही नहीं सकती है, तो यहाँ पे तो फर्म दोनों फर्म मिलके पार्टनर बन रही हैं, दोनों फर्म पार्टनर नहीं बन रही हैं, ठीक है, उसके पार्टनर्स इकट्ठे हो रहे हैं सब, तो ये भी पार्टनरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी को ओनर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। आप को ओनर देख के बहक मत जाना, ये भी पार्टनरशिप है, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। फिर आपका कुछ इंडिविजुअल्स है एसोसिएशन बना लेते हैं, 5,000 रुपये एनुअली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और वॉर विडोज को फ्री में सामान देंगे, क्या ये पार्टनरशिप है? आंसर इज नो, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, यहाँ बिजनेस नहीं है, दान पुण्य चैरिटी है। फिफ्थ केस में ए और बी को ओनर्स हैं, बोल रहे हैं कि रेंट जो मिलेगा लैंड से वो आपस में शेयर करेंगे, क्या ये पार्टनरशिप है? नो, बिकॉज देर इज नो बिजनेस, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसे रेंट मिल रहा है, इनकम हो रही है, तो यहाँ पे बिजनेस ही नहीं है, ये लोग को ओनर है, पार्टनर नहीं है, राइट। चलो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट केस में पार्टनरशिप है, सेकंड में पार्टनरशिप है, थर्ड में पार्टनरशिप है, फोर्थ और फिफ्थ में नहीं है। फर्स्ट में पार्टनरशिप है क्योंकि बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं। सेकंड में पार्टनरशिप है बिकॉज दोनों फर्म एक पे मर्ज हो रही है तो एक बड़ी फर्म बन रही है, तो पार्टनरशिप फर्म तो रहेगी वो।
थर्ड में पार्टनरशिप है बिकॉज वो ओनर भले ही है पर वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। फोर्थ में पार्टनरशिप नहीं है बिकॉज चैरिटेबल काम आप पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। फिफ्थ में पार्टनरशिप नहीं है बिकॉज वो सिर्फ को ओनर है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे। क्लियर है ना? इजी क्वेश्चन है ये तो। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट e-scholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें e-scholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कब होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से? तो आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बताना है, जब सारे पार्टनर्स में रिश्ता खत्म हो जाता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बिजनेस एंड हो जाता है, उसे कहते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से सिचुएशन में फर्म डिसॉल्व होती है? फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री कर लें फर्म को बंद करने के लिए, या फिर कोई कंटिंजेंसी हो जाए, जैसे पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी हो गया, पार्टनरशिप एट विल का केस है, तो इन दैट केस सभी पार्टनर्स को नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है। तो बेसिकली आपके डिसोल्यूशन विद कोर्ट और विदाउट कोर्ट वाले आपको सारे केसेस बताने हैं, राइट? विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आपको दोनों केसेस यहाँ पे बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्यूरल रिलेशन, लीगल रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। बट जब सिर्फ एक तो पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर होता है या जाता है फर्म को छोड़ के, तो यहाँ पे सबके बीच में रिलेशन एंड नहीं होता, बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता। वो पार्टनर चला जाता है, बाकी के पार्टनर्स बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, तो लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरी फर्म ही बंद हो जाती है, सभी चले जाते हैं, पूरा पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाता है। कैसे हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? अग्रीमेंट करके हो सकता है, सारे पार्टनर्स रेडी हो जाएं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बिजनेस अनलॉफुल हो जाए तो फर्म को बंद करना पड़ जाएगा। अगर टाइम निकल जाए, जितना टाइम के लिए बनाई थी वो टाइम ओवर हो जाए तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। जिस काम के लिए फर्म को बनाया था वो पूरा हो जाए तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व कर सकते हो। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। इनमें आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट। उसमें लिखा है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो एक पार्टनर बाकी को नोटिस देके रिटायर, मतलब फर्म को डिसॉल्व भी करा सकता है, राइट? नोटिस देगा, अगर नोटिस पे डेट लिखी है उस दिन से डिसॉल्व मानी जाएगी, डेट नहीं लिखी है तो जिस दिन कम्युनिकेट करेगा उस दिन से डिसॉल्व मानी जाएगी। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट की केसेस गिवन है, पार्टनर अनसाउंडमेंट का हो जाए, इनकैपेसिटेटेड हो जाए, मिसकंडक्ट करेगा, विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीच करे जा रहा है, लगातार ब्रीच करे जा रहा है अग्रीमेंट का। अगर कोई पार्टनर पूरा का पूरा अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है तो, अगर बिजनेस लॉस में ही चल रहा है तो, या कोई भी और ग्राउंड्स है जिसमें कोर्ट को ठीक लगता है, इसमें भी चार ग्राउंड्स थे, तो उनके बेसिस पर हम फर्म को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है और कैसे डिसॉल्व होती है फर्म, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताना है कि हर LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, सारी कम्युनिकेशन उसी रजिस्टर्ड ऑफिस से भेजी जाएंगी, उसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही मिलेंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी करा सकते हो आप रजिस्ट्रार को बता के। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो पर बताते नहीं हो अगर, तो इन दैट केस 500 रुपया पर डे और मैक्सिमम 50,000 रुपीज पेनल्टी लगेगी LLP पे और सभी पार्टनर्स पे, ठीक है? आ जाओ देखो क्या लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। हर LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जहाँ पे सारे कम्युनिकेशन नोटिसेस भेजी जाएंगी, जहाँ पे रिसीव करी जाएंगी, जहाँ से भेजी जाएंगी, जहाँ पे भेजी जाएंगी, जहाँ रिसीव करी जाएगी। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर LLP को देना है या पार्टनर को देना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को देना है, तो बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा एट रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई भी एड्रेस जो LLP बताएगी। LLP चाहे तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज भी कर सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, मतलब उसे रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, ठीक है? और जब वो रजिस्ट्रार को बताएगी तभी चेंज इफेक्टिव माना जाएगा। अगर LLP रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लेती है पर रजिस्ट्रार को नहीं बताती, मतलब कॉन्ट्रावीन करती है किसी प्रोविजन को,
तो इन दैट केस पेनल्टी लगेगी 500 रुपया पर डे LLP और सभी पार्टनर को, और अगर कंटिन्यू होता है डिफॉल्ट तो 500 रुपया हर दिन का लगता जाएगा और मैक्सिमम 50,000 लगेगा। सिंपल, इतनी सी बात थी रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC, 18 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। ABC ने डिसाइड किया है कि वो नया क्लब बनाएगा विद द नेम ऑफ ABC क्लब। तो बेसिकली चैरिटेबल कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है आपका। हैविंग ऑब्जेक्ट्स टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द क्रिश्चियन सोसाइटी, उन्होंने सोचा कि कुछ हम चैरिटेबल काम करेंगे, सोशल एक्टिविटी करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो क्रिश्चियन सोसाइटी के, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, कंपनी ने सेक्शन 8 का स्टेटस ऑप्टेन कर लिया, सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी का स्टेटस ऑप्टेन कर लिया, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट से और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया 1 अप्रैल 2021 से। पर 30 सितंबर 2023 को देखा गया कि जो ABC क्लब बनाया था वो अपने रूल्स को वायलेट कर रहा था, तोड़ रहा था, जो ऑब्जेक्टिव लिखे थे, जो ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनी थी उनके लिए काम नहीं कर रहा था, राइट, जिसके लिए उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस दिया था वो काम वो कर ही नहीं रहा था। तो अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स बतानी है। तो बेटा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकता है, ऐसे लाइसेंस छीन भी सकता है, कंपनी बंद करने का ऑर्डर भी दे सकता है, उसके नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने को भी बोल सकता है, उसे किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट भी कर सकता है जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव रखती हो। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स है। आ जाओ आंसर बताएंगे। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज जो बनाई जाती हैं चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के केस में ऐसी कंपनी को अपना प्रॉफिट अप्लाई करना है सिर्फ अपने कामों के लिए ही। सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्टर करी जाती हैं जब लाइसेंस मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ABC एक सेक्शन 8 कंपनी थी, ये आपने पूरा फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया। उसके बाद बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, जहाँ पे कंपनी ने कोई भी रूल तोड़ा है, जहाँ पे कंपनी के अफेयर्स में फ्रॉड इन्वॉल्व है या फिर वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करा है, और रेवोकेशन के बाद रजिस्ट्रार लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा देगा कंपनी के नाम के आगे। पर रेवोकेशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस देगी, पहले उसे खबर भेजेगी कि ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए कंप्लेंट है, तो बताओ हम तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारा लाइसेंस क्यों ना छीने। तो एक बार अपनी बात कहने का मौका ज़रूर देगी, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस जब रिवोक हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है जैसा उसे ठीक लगता है, पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी बंद करने का ऑर्डर भी दे सकती है, किसी और के साथ मर्ज करने का ऑर्डर भी दे सकती है, अमलगमेट करने का ऑर्डर भी दे सकती है। हाउएवर कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इससे पहले भी। जब लाइसेंस रिवोक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट भी कर सकती है जो सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट रखती है, या फिर ताकि सिंगल कंपनी बन जाए विद सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम राइट्स, प्रिविलेज, ड्यूटीज, जैसा गवर्नमेंट ऑर्डर देगी उस हिसाब से उस नई कंपनी को रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो बेसिकली ये सारे पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी अपना रूल तोड़ती है तो। जो रूल्स मेंशन है सेक्शन 8 में, जो हमने बातें करी हैं कि उन्हें अपने सिर्फ अपने कामों के लिए ही पैसा यूज़ करना है, इनफैक्ट सेक्शन 8 कंपनी तो डिविडेंड भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HP पॉलिटेक लिमिटेड है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइडेड है 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच में, नंबर ऑफ शेयर 6 लाख है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 1,20,000 शेयर्स आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, तो 2 लाख प्लस 1,20,000 3,20,000 शेयर्स टोटल गवर्नमेंट के पास है आउट ऑफ 6 लाख, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो बेटा अगर 51% से ज़्यादा होल्डिंग, 51% से ज़्यादा होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों को मिला के होती है तो गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो यहाँ पे 51% आ रहा है कि आप जरा चेक करो, आप यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे तो 53% के आसपास कुछ आ रहा है जो कि 51 से ज़्यादा है, हैंस HP पॉलिटेक लिमिटेड आपकी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। आ जाओ, तो आपको गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन लिखने हैं कि जहाँ पे नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। तो और गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, ये भी आपको बताना है। इस केस में टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 6 लाख जिसमें से 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 1,20,000 स्टेट गवर्नमेंट के पास है,
तो 53% से ज्यादा की होल्डिंग हो रही है, 320,000 शेयर होल्ड करे जा रहे हैं। हेंस एचपी पॉलिटिक लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट अ सेकंड, नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी अनलिमिटेड कंपनी की तरह। कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल है उसकी 10 लाख रुपीज। वन ऑफ इट्स क्रेडिटर्स, उसके एक क्रेडिटर है मिस्टर सैमुअल, उसने फाइल सूट कर दिया है शेयर होल्डर के अगेंस्ट। अनलिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पर ध्यान रखेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज होती है ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही होती है। ये बच्चे भूल जाते हैं। तो जो एक क्रेडिटर है सैमुअल, उन्होंने डायरेक्टली एक शेयर होल्डर है इनोसेंट, उनको केस कर दिया। उन्होंने बोला कि वैसे भी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो डायरेक्टली इनोसेंट से ही पैसा रिकवर कर लेती हूँ। तो शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट फॉर रिकवरी ऑफ डेट अगेंस्ट द नो लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, मिस्टर इनोसेंट ने बोला कि भैया मैं तो शेयर होल्डर हूँ, मैं लायबल नहीं हूँ। अब आप बताओ क्या सैमुअल ने सही किया, क्या वो अपने ड्यूज मिस्टर इनोसेंट से ले पाएंगे? द आंसर इज नो। कॉर्पोरेट भी होता है, कंपनी अलग, कंपनी के शेयर होल्डर अलग, और आप कंपनी के शेयर होल्डर को डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकते। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को स्यू करोगे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसको स्यू किया जा सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। जस्ट बिकॉज ये अनलिमिटेड कंपनी का केस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली शेयर होल्डर को स्यू कर दोगे। शेयर होल्डर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज होती है कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में। ये सारी बातें आपको लिख देनी है। आइए सेक्शन टू क्लॉज 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है लाइबिलिटी पे, मेंबर्स की लाइबिलिटी पे, जहाँ कोई लिमिट नहीं होती है। हर मेंबर की लाइबिलिटी, जितने भी कंपनी के डेट है, सबके लिए होती है, पूरा पैसा देना पड़ता है। बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी अदर मेंबर्स। कंपनी के जब भी अगर डेट ज़्यादा है तो वो मेंबर्स से कॉन्ट्रीब्यूशन मंगा सकती है। जनरली ऐसा नहीं होता, इनकेस ऑफ लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड में होता है। इनकेस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शेयर कैपिटल भी लिखोगे, अमाउंट ऑफ ईच शेयर भी लिखोगे। जब तक कंपनी चलती जाती है, जब तक गोइंग कंसर्न है, तो लाइबिलिटी सिर्फ शेयर के अमाउंट तक ही लिमिट होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। क्रेडिटर्स इंस्टीट्यूट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स, मतलब केस, अब वाइंडिंग अप के लिए कंपनी पे। ऑफिशियल लिक्विडेटर मेंबर को बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी के केस में, जब कंपनी बंद हो रही होती है तब। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर सैमुअल डायरेक्टली अपने जो कंपनी के क्लेम है वो मिस्टर इनोसेंट से नहीं मांग सकते हैं, शेयर होल्डर से, इवन दो वो अनलिमिटेड कंपनी है। मिस्टर इनोसेंट अभी तो शेयर कैपिटल तक के लिए लायबल है, क्योंकि अभी तो कंपनी चल रही है। उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी अराइज होगी जब कंपनी बंद होगी और कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर पैसा डिमांड करेगा मेंबर्स से। डायरेक्टली क्रेडिटर्स तब भी मेंबर्स से पैसा नहीं ले सकता, तब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर मेंबर को कॉल करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, तब उन्हें अनलिमिटेड पैसा देना है। अभी शेयर होल्डर को अनलिमिटेड पैसा नहीं देना, अभी तो लिमिटेड ही देना है, तो डायरेक्टली शेयर होल्डर को आप स्यू नहीं कर सकते, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे। 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके डिस्कस करे गए हैं इस एक्ट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, उस पर अमाउंट एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, पेई का नाम सर्टेन होना चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हो जाना चाहिए, डिलीवरी नहीं करी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। ए ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है तो उसे बी को डिलीवर करेगा, बी एक्सेप्ट करके ए को वापस करेगा, तब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के अपने ड्रॉअर में रख लिया या बी ने एक्सेप्ट करके अपने ड्रॉअर में रख लिया तो वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा, राइट? और साथ के साथ है कि उसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए, कब पेमेंट होगी उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि फॉर एट साइट है कि फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, क्या है वो मेंशन होना चाहिए। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे में कोई कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। तो ये सारे असेंशियल फीचर्स होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आ जाओ, पहले आप मीनिंग बता दोगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर बियरर है तो खाली डिलीवरी, अगर ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों से आप ट्रांसफर कर सकते हो, और जो भी होल्डर होता है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। एक्ट में कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन नहीं गिवन है,
पर सेक्शन 13 कहता है तीन तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, राइट, जो कि बियरर भी हो सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकते हैं, हालांकि प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं हो सकता, ये आपका लिखा है आरबीआई के आरबीआई एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम उसको ट्रांसफर कर सकते हो, अनकंडीशनल होना चाहिए, चाहे प्रॉमिस हो चाहे ऑर्डर हो, प्रॉमिसरी नोट के केस में प्रॉमिस होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऑर्डर होता है, लेकिन अनकंडीशनल होना चाहिए, राइट। सिर्फ मनी का ही प्रॉमिस होना चाहिए, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अमाउंट, सब मतलब अमाउंट, टाइम और पे फिक्स होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हो जाना चाहिए। और एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जिसने इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लिया है उसकी टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। जैसे अगर ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, सी ने वो प्रॉमिसरी नोट चुरा लिया और वो प्रॉमिसरी नोट आगे डी को दे दिया, डी को चोरी के बारे में नहीं पता था, तो डी को वैलिड टाइटल मिल जाएगा, डी एक सही मालिक माना जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, क्लियर। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी। मनोज ने परचेज किया है कुछ शुगर, परचेज किया है कुछ सामान सागर से, और उसने चेक दिया है सागर को 14 जून 2023 को। सागर ने चेक प्रेजेंट करा है और बैंक को, और बैंक ने 19 जून को इन्फॉर्म करा है कि चेक तो वापस हो गया क्योंकि फंड्स ही नहीं है, राइट, मनोज के अकाउंट में पैसा ही नहीं है इसलिए चेक वापस हो गया। सागर ने मनोज के अगेंस्ट केस कर दिया सेक्शन 138 पे। बताओ क्या सूट मेंटेनेबल है? सेक्शन 138 के लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे चेक रिटर्न हो गया है चेक इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, तो इसे हम डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक ऑफेंस माना जाता है अगर कुछ कंडीशन पूरी हो। पहला, विद इन टाइम लिमिट आपने सबमिट कर दिया है, तो चेक की बेसिकली टाइम लिमिट होती है 3 महीने, तो 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट कर दिया है, जी हाँ। चेक जब सबमिट हो जाता है उसके बाद अगर डिसऑनर हो जाता है तो बैंक इन्फॉर्म करता है जिसने सबमिट किया है उसको, तो बैंक ने सागर को इन्फॉर्म किया होगा कि चेक डिसऑनर हो गया है। तो सागर ने 30 डेज के अंदर अंदर किसको बताना है? मनोज को। अगर ऐसा किया है तो 138 लग सकता है। और मनोज अगर फर्दर 15 दिन के अंदर सागर को पेमेंट नहीं करता है तब जाके सागर एक्शन ले सकता है। तो बेसिकली अब आपको ये बताना है, क्या जो सागर ने इमिजिएटली केस कर दिया, जैसे ही सागर को इन्फॉर्मेशन मिली सागर ने केस कर दिया, क्या ये सही है? तो आप बोलोगे कि सागर ऐसे केस नहीं कर सकता, 19 जून को उसे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो 19 जून से 30 डेज यानी कि 18 जुलाई तक उसे इन्फॉर्म करना होगा पहले मनोज को। और अगर मनोज इसके फर्दर 15 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं करता है तब जाके सागर सीव कर सकता है, राइट, ये आपको बताना है। तो पहले आप डिसऑनर के बारे में बताओगे कि डिसऑनर क्या होता है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो जाता है वगैरह, ये डिसऑनर होता है। फिर आप बताओगे कि डिसऑनर को ऑफेंस माना जा सकता है 138 के अंदर अगर 3 कंडीशन पूरी होंगी तो, और अगर डिसऑनर ऑफेंस साबित हो जाता है तो 2 ईयर्स तक की सजा या फिर डबल द अमाउंट ऑफ चेक या दोनों चीजें भी लग सकती हैं एज फाइन, ठीक है। तो ये सारी बात आपको बतानी है, आ जाओ क्या लिखा है देखो। बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जब चेक इशू करा जाता है एक पर्सन के द्वारा अपने डेट को पेमेंट करने के लिए और अगर वो डिसऑनर हो जाता है फंड्स की कमी की वजह से, तो माना जाता है कि उस पर्सन ने एक ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, और उसको पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है जो 2 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है 2x the amount ऑफ चेक, या दोनों चीज भी हो सकती हैं, ठीक है। पर ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, चेक डिपॉजिट हो गया हो 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर चेक के वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर जो भी अर्लियर है, या होल्डर ने जो है जिसके पास चेक था उसने अगर डिमांड करा है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग ड्रॉ चेक बनाने वाले से 30 दिन के अंदर अंदर। कहाँ से 30 दिन? जब से उसे खबर मिली है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर होल्डर ने ड्रॉअर से डिमांड कराए पेमेंट, एंड और जो ड्रॉअर है वो फिर भी पेमेंट नहीं कर पाया है आगे और 15 दिन के अंदर अंदर, इन दैट केस हम कह सकते हैं कि हाँ अब 138 लग जाएगा, अब ऑफेंस माना जाएगा, तब जाके जो होल्डर है वो स्यू कर पाएगा ड्रॉअर को, राइट। और तब जाके क्या होगा, जब केस करेंगे स्यू करेंगे तभी तो कोर्ट सजा सुनाएगी, क्लियर है ना। तो इस केस में
मनोज ने चेक इशू किया था, ये सारे आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखे हैं, सागर ने इश्यू कर दिया वगैरह वगैरह, ये पूरा फैक्ट लिखा है। तो आपको बताना है कि भाई अगर आपको 138 में केस फाइल करना है तो सागर ने पहले पेमेंट डिमांड करनी है 18 जुलाई के अंदर, और अगर मनोज आगे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता है तब सागर सीव कर सकता है। तो अभी उसने इमीडिएटली सीव कर दिया है तो दिस इज नॉट मेंटेनेबल, कोर्ट कहेगी पूरा प्रोसेस फॉलो करो तभी मेरे पास आना, राइट। तो अच्छा आंसर क्या हुआ था, अगेन आई एम सेइंग कि आईसीआई काफी लैबोरेट करके आंसर्स दे रहा है इस बार, तो आपसे भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप भी लैबोरेट करके आंसर्स देंगे। हर बार फैक्ट ऑफ द केस इतना क्लियरली एक पैराग्राफ में नहीं दिखता था, इस बार हमें दिख रहा है, तो छोटे छोटे चेंजेस मैं तो फील कर रही हूँ, अगर आप भी सेम फील करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो और अच्छे से पूरा वीडियो सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप दोबारा से उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो, एंड मेक श्योर आप आरटीपी का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और ये वीडियो सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, खुद भी लिख के देखेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी कि सारे आरटीपीज आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां पे मिल जाएंगे, तो आप आरटीपी जरूर डाउनलोड कर देंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इनको प्रिंट आउट भी निकालेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ के साथ अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग कि आरटीपी कैसे डाउनलोड करना है, तो आप ये इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर कॉल आपका नहीं पिक किया जा रहा है तो कृपया प्लीज़ आप व्हाट्सएप यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपके पास कॉल आ जाएगा। दूसरी चीज़ मुझे ये बोलनी है कि इस बार आपको अकाउंट्स और लॉ के साथ साथ मैथ्स और इको का भी, मतलब क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इको का भी आरटीपी देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मेक श्योर आप उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि अब MTPs आने वाले हैं, हमारे सेशंस आने वाले हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो जब भी MTPs आएँ, सेशंस हमारे सेशंस आएँ आगे, तो आपको पता चल जाए, राइट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।